हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीके जी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज पे चर्चा करने के लिए बंधन बैंक का चार्ट चुना है। बंधन बैंक वॉज इनॉग्रेटेड बाय लेट श्री अरुण जेटली ऑन August 23, 2015 इन कोलकाता। बंधन बैंक स्टार्टेड विद 501 ब्रांचेस, 50 ATMs एंड 2022 बैंकिंग यूनिट्स ऑन द डे वन। प्रेजेंटली बंधन बैंक हैज 4701 बैंकिंग आउटलेट्स पैन इंडिया, सर्विंग मोर देन 2 crore customers. The bank has a team of about 45,000 employees. Bandhan Bank offers its world-class banking products and services to urban, semi-urban and rural customers. It provides accessible, simple, cost-effective and innovative financial solutions in a responsible manner. तो चलो देखते हैं बंधन बैंक का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बंधन बैंक का डेली चार्ट है। बंधन बैंक ने March 2020 में 152 का लो बनाया, थोड़ा सा राइज आया, वापस अच्छा खासा सेलिंग, लेकिन इससे हाई बॉटम और स्टॉक ने धीरे धीरे अप्रैल 20 में 267 का हाई बनाया। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, इससे यहाँ पे हायर बॉटम बनी 195 की मई 20 में, और इसके बाद स्टॉक ने अच्छा खासा स्टेडी राइज दे दिया और जुलाई 20 में 402 का हाई बना। यहाँ पे जो देख सकते हो रेड लाइन, वो 200 DMA है। इसके बाद थोड़ा सा कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग आया, वापस थोड़ा सा बाइंग और वापस फॉल, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि ए लो और ए लो तीनों हायर बॉटम्स है। सितंबर 20 का 251 का लो है। उसके बाद स्टॉक में कंटिन्यूस राइज आई और इसका जो करेक्टिव मूव आया यहाँ तक, वो अच्छा खासा करेक्टिव, एकदम जो टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं कि इसके बाद स्टॉक ने वापस अप मूव दे दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो इस स्टॉक में सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है और स्टॉक ने इसके ऊपर यहाँ ब्रेकआउट दिया और इस बार फ्राइडे को 332.45 का हाई बनाया, पूरा एक ग्रीन कैंडल के पैटर्न के ऊपर बंद दे दिया है। इसके प्रीवियस यहाँ पे आप देख सकते हो ये 332 का हाई था। तो ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने KST डिमांड इंडेक्स और ADX का यूज किया है। KST जैसे आपको पता है, इट मेजर्स प्राइस मोमेंटम फॉर 4 डिफरेंट प्राइस साइकल्स कंबाइनिंग इनटू 1 इंडिकेटर। इसमें भी एक जीरो लाइन के ऊपर अच्छा खासा बाय सिग्नल आया है। और ये डिमांड इंडेक्स व्हिच शोस द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बायर बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और ADX इंडिकेटर जो ट्रेंड का स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, उसमें भी आप एक पॉजिटिव मूव देख रहे हो। स्टॉक ने अभी अभी 200 DMA के ऊपर भी ट्रेड करना स्टार्ट किया है, उसके सब शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया है और सब तीनों शॉर्ट टर्म एवरेज अप ट्रेंड में है। तो ये सब रीजंस देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक का टारगेट 370, 430, 480 और 520 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 298, 275 और 260, और ये स्टॉक में 245 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। थैंक यू। Investment in securities market is subject to market risk. Please read the offer documents carefully before investing. V Ventura Securities Limited, its analysts and associates, with regard to the video, hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in the securities of the company. We do not have any directorship or other material relationships with the company. We do not have any personal interest in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company, such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment, disinvestment, decision made on the basis of this video.